जाएंगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको टेंशन होगी कि यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, एंड इसी की वजह से लोग बुरे काम भी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कितना सुंदर दिन है आज, एंड मैं आज एक नया वीडियो शूट कर रही हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। हर वीडियो मेरा स्पेशल ही होता है। तो गाइस मैंने ना कुछ लाइक मैं है ना कल रात को मैंने एक वीडियो डाला था मेरे हेल्थ के रिलेटेड। सो उसके बाद है ना मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि जब हम कनाडा आते हैं, लाइक स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं, हम लोग यहाँ आके कनाडा के बारे में कितना ज़्यादा क्रिप करते हैं कि कनाडा ऐसा है, कनाडा वैसा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। बट क्या हमने ये सोचा है कि कनाडा हमें कितना कुछ देता है, एंड कनाडा में हमारी लाइफ आके पूरी अलग हो जाती है। जो भी हम स्ट्रगल्स वगैरह करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी अलग हो जाती है। सो आज मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ पांच ऐसे साइंस जिससे पता चलता है कि हाँ यार जो स्टूडेंट है वो कनाडा में हैप्पी है। और ये पांच साइंस ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है, बट अगर ये पांच चीज़ें आपके पास हो ना तो आपको पता चल जाएगा हाँ आपकी लाइफ सॉर्टेड है कनाडा में, आप कनाडा में अब आगे अपना फ्यूचर देख सकते हो एंड आप सेटल्ड हो कनाडा में। सो गाइस सबसे पहली बात तो आएगी, आप लोग गेस कर ही चुके होंगे, जॉब की। अगर कनाडा में आते ही इंटरनेशनल स्टूडेंट को जॉब मिल जाए उससे अच्छा क्या ही होगा। जैसे मैं कनाडा आई थी तो मेरे को विद इन 10 डेज जॉब मिल गई थी, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं थी यार। आप एक नई कंट्री में आए हो, आपके पास इनकम के नाम पे सिर्फ आपकी GIC है जो भी 15-20 डेज़ के बाद आती है, अगर आप यहाँ आते ही कोई इनकम शुरू कर दो तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी, एंड हर स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आप कोई नई कंट्री में आ रहे हो तो आपका एक कैश फ्लो चालू हो जाए ताकि जो आपकी लाइफ है वो स्मूथली चले एंड आपके जो खर्चे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस है, वो इजीली निकलने लगे एंड आपको घर से पैसे ना मंगाने पड़े। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी हैप्पीनेस को डिफाइन करता है कनाडा में। अगर आपके पास अर्निंग ही नहीं होगी तो आपको उसके 10 पीछे कॉन्सिक्वेंसेस दिख जाएंगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको टेंशन होगी कि यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, एंड इसी की वजह से लोग बुरे काम भी करने लगते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, क्या क्या नहीं, ड्रग्स वगैरह सब कुछ करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है जॉब का कि अगर आपके पास अच्छी जॉब है, और भले ही आपके पास पार्ट टाइम जॉब है, आपके पास इनकम तो आ रही है एंड धीरे धीरे पार्ट टाइम से आप फुल टाइम हो गए, फुल टाइम से आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब मिलेगी। सो ये फेजेस होते हैं, बट आते ही इनिशियली पार्ट टाइम भी अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाती है, आप खुश रहने लगते हो। तो ये फर्स्ट साइन था आपकी खुशी का एंड सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट की खुशी का। सेकेंड साइन की बात करते गाइस, सेकेंड साइन आता है वेदर। तो वेदर की बात तो मैं क्या ही कहूँ, जितने लड़कियों को मूड स्विंग्स नहीं आते उससे ज़्यादा तो कनाडा के वेदर में चेंजेस हम देखते हैं। अभी 5 मिनट पहले, थोड़े दिन पहले वेदर ऐसा था, 5 मिनट पहले स्नो हो रही थी एंड उसके बाद एकदम सनी हो गया। तो यहाँ के वेदर का कुछ नहीं कह सकते। अभी यहाँ पे धूप निकल रही है बट अभी मुझे नहीं मालूम कि आधे घंटे बाद बारिश हो रही होगी कि क्या हो रहा होगा। सो अगर आप कनाडा आके कनाडा के वेदर को अडाप्ट कर लेते हो, यहाँ के वेदर की आपको आदत लग जाती है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी आई थी, मेरी बहुत गंदी वाली फट रखी थी कि यार मैं कैसे मैनेज करूँगी, मेरे से ठंडी से कैसे सही जाएगी, क्योंकि आदत ही नहीं है ना इतने मोटे मोटे जैकेट पहनने की। बट अब 1-2 डिग्री लगता है यार गर्मी लग रही है, ऐसा सीन है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भी आप अडेप्ट कर लेते हो, तो मैंने भी अडेप्ट कर लिया। सो अगर आप ये वेदर को फेस कर लेते हो, आपको रहना आ गया कि कोई भी वेदर हो हम फेस कर लेंगे, तो गुड, या यू आर गुड टू गो, आप हो सेटल्ड कनाडा में, आप अपनी लाइफ यहाँ आगे प्लान कर सकते हो। सो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट मेरा थोड़ा ज़्यादा ही फेवरेट है, पहला तो मेरा जॉब फेवरेट था और थर्ड पॉइंट मेरा फेवरेट है। मेरे को थर्ड पॉइंट इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि ये है दोस्तों के रिलेटेड। कनाडा में आपने हर किसी इन्फ्लुएंसर के मुंह से सुना होगा, इनफैक्ट मैंने भी बहुत बार बोला है कनाडा में नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग करो, दोस्त नहीं होंगे, लोगों को नहीं जानोगे तो कैसे सर्वाइव करोगे यहाँ पे।
तो यही पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसी के बारे में, फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग एंड योर पीपल स्किल, कि आप कितना अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके ग्रुप्स अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपके आप जहाँ रहते हो, जो आपका अकोमोडेशन है, आपके साथ वहाँ लोग अच्छे हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, भले ही मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ बट मैंने यहाँ आके एक दूसरी फैमिली बनाई है। सो अगर आप ये फील कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छी जगह पे हो, क्योंकि यहाँ पे है ना अकोमोडेशंस में आपने देखा होगा कि कितने झगड़े होते हैं फ्रेंड्स के। जब आप अपने दूसरे फ्रेंड्स से कॉलेज में मिलोगे तो लोग एक दूसरे की बिचिंग कर रहे होते, यार ये तो ऐसी है, इसने ये नहीं किया, इसने ये ड्यूटी नहीं की, इसने ये काम नहीं किया, ये घर बहुत गंदा रखती है। आप रेगुलर बेसिस पे सुनते होगे, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि कैसे लोग रहते हैं और कैसे लोग झगड़ते हैं, रियलिटी पता चलती है। सो अगर आपको वो चीज़ मिल रही है, आप सेटल, मतलब आपके साथ आपके लोग अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, आपकी सक्सेस पे वो खुश होते हैं, ये नहीं कि आपको अगर आपको जॉब मिल गई है या आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में तो वो पीछे पीछे क्रिप कर रहे हो, तो ऐसे लोग नहीं चाहिए, टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है एंड वो बंदे आपके सामने और आपके पीछे भी आपके लिए खुश है, देन कंग्रेचुलेशंस, आपको एक फैमिली मिल चुकी है कनाडा में। एंड अगर भले आपके पास इनिशियली जॉब भी ना हो और आपका सर्कल अच्छा हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे अगर लोग अच्छे मिल जाते हैं, आपका दिन अच्छा, आप उनके साथ रहोगे, आपका दिन अच्छा जाएगा, आप खुश रहने लगोगे। सो ये था थर्ड साइन कि आप कनाडा में खुश हो एंड कनाडा में आप आगे लॉन्ग टर्म रह सकते हो अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो, क्योंकि अगर ग्रुप अच्छा होगा तो ऑब्वियसली घूमोगे फिरोगे, अच्छा खाओगे, अच्छी बातें करोगे। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे आते हैं तो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है हम वर्क लाइफ और स्टडीज़ को, दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ कुछ चीज़ें ना हमें यहाँ के नहीं समझ आती, क्योंकि हमें आदत नहीं होती अकेले रहने की, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की, क्यों बहुत लोगों को होती भी है इंडिया में, बट जो इनिशियली अपना बैचलर्स, अपना 12th ख़त्म करके आ रहे होते हैं, हम लोग को नहीं इतना नॉलेज होता कि दुनिया कैसी है, वर्ल्ड कैसा है और हमें कैसे सर्वाइव करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें करना क्या है आगे, वो कैसे मैनेज करेंगे अपनी चीज़ों को, अपने पेरेंट्स से दूर रह के, अपने फ्रेंड्स, अपने कंफर्ट जोन से रह के अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। सो इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं रह सकते नई कंट्री में अकेले, हमको आता ही नहीं है कुछ। और किसी किसी को तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि यार कुकिंग नहीं आती, कुकिंग नहीं आती, इसका मतलब यार मेरे को कुकिंग ही नहीं आती, अब मैं कैसे जीऊँगा, बाहर का खाना रोज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, ये वो। तो कुछ ऐसी बहुत सारे, ये तो मैंने दो तीन प्रॉब्लम बताई, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से स्टूडेंट्स है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से वो ये भी डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी कि यार चलो वापस इंडिया चले जाते हैं, बैक होम वापस चले जाते हैं अपने कम्फर्ट जोन में। तो अगर आपने ये सब फेस किया है, लाइक आपने सारी चीज़ों को सीखा है एंड आपने वो फेस क्लियर कर लिया है, तो कंग्रेचुलेशन, आप यहाँ के लिए ही बने हो। क्योंकि अगर आप, फिफ्थ पॉइंट भी मेरा यही है, इसी के रिलेटेड है, तो साथ में बात करते हैं। सो अगर आप खुशी खुशी सारे चैलेंजेस फेस कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ अपने दोस्तों के सामने या किसी के सामने भी क्रिप करना, यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मुझसे नहीं हो रहा, कैसे करूं, क्या करूं। तो इंस्टेड ऑफ क्रिप करना, उस चीज़ को सीखना बेटर है। तो फिफ्थ पॉइंट भी मेरा इसी के रिलेटेड है कि अगर आप कनाडा में स्ट्रगल करते हो, या तो दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, या तो लोग खुशी खुशी स्ट्रगल करते हैं और ये सोचते हैं कि ये स्ट्रगल के बाद हमें सक्सेस ही मिलनी है, या तो दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप करके स्ट्रगल करते हैं एंड वो फ्यूचर सोचते ही नहीं, उनको लगता है कि उनकी लाइफ स्ट्रगल में ही निकल जाएगी। सो अगर आप पहले टाइप के हो कि आप खुशी खुशी स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपको पता है कि अगर मैंने खुद 2 साल स्टडीज़ के साथ स्ट्रगल कर लिया तो आगे के 3 साल या 5 साल या 10 साल आप जितने भी रहोगे, आपको पता है आपको क्या करना है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड कनाडा में जो लोग रहे हैं,
एंड जो लोगों ने स्ट्रगल किया है उनको सक्सेस मिली है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलती यहाँ पे। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ आके कुछ नहीं करके गए, कुछ ना कुछ आप हमेशा करके जाओगे, भले ही आप यहाँ 2 साल रहो या 3 साल रहो। तो गाइज एक यही चीज़ है, और अपनी स्ट्रगल में भी है ना खुशी ढूंढो, कि खुशी खुशी स्ट्रगल करो यार, क्रिप क्यों करना है। क्योंकि हम इंडिया से जब आए थे या कहीं से भी आए थे, हम ये सोच के आए थे हमें लाइफ अपनी बनानी है यहाँ आके, हमें इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ स्क्रैच से बिल्ड करनी है। सो इंस्टेड ऑफ दुखी दुखी रहना, इससे अच्छा खुशी खुशी रहो और अच्छा सर्कल बनाओ। मैं तो यही कहूँगी कि मेन अपना कॉलेज में अच्छा सर्कल बनाओ, क्योंकि अगर कॉलेज में सर्कल होगा अच्छा तो ऑब्वियसली आपका सर्कल, आप खुश रहोगे एंड अपने जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ भी अच्छे से बना के रखो, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एंड अगर ये 5 साइंस, जॉब, वेदर, फ्रेंड्स, स्ट्रगल और किसी भी चीज़ में क्रिब नहीं करना, ठीक है थोड़ा बहुत रोना धोना चलता है, बट हर बात पे अगर आप नहीं करते, आपने ये 5 चीज़ 1 साल में या 6 महीने में आपने ये सब सीख लिया है, तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब यहाँ रह सकते हो अच्छे से। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने कर ली ना अच्छे से, तो भाई आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी। और मैं मानती हूँ कि ये 5 में से ऑलमोस्ट सब कुछ अब मेरे पास है, तो मैं अब खुश हूँ यहाँ पे। और मेरे को अभी ऐसा नहीं होता कि यार कि क्यों आ गए। हाँ कभी कभी, जैसे अभी मेरे को हेल्थ का हो गया था, तो मेरे को ऐसा हो गया यार नहीं यार गलत डिसीजन ले लिया, नहीं आना चाहिए था। बट ठीक है, हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर इंडिया में भी होते, अगर इंडिया से भी अपनी सिटी से दूर जाके पढ़ाई करनी पड़ती, तब भी तो सारे काम खुद ही करने पड़ते ना। तो मैं तो खुश हूँ यहाँ पे, अब मेरे को ऐसा नहीं है कि यार कुछ हो नहीं रहा ये वो। मैं खुशी खुशी अब सब एक्सेप्ट कर रही हूँ, जो होगा फ्यूचर में खुद का लक है, खुद का स्ट्रगल है, तो बस यही सोच के चलो। एंड ये मोटिवेशन थी एक आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हो, या आपको अपनी जर्नी का कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपने फेस किया हो अकेले, एंड आप किसी के साथ शेयर करना हो, तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं वीडियोज है ना बहुत मेहनत से बना के डालती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फॉर नाउ।